देश के वासियों को क्या पैगाम देंगे? देखिए, हम लोगों का ये सौभाग्य है कि हमारे देश में महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे बड़े नेता मार्गदर्शक हमारे यहाँ पे जन्मे हैं। देखिए, कोई भी देश जो आज़ादी मिली है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, अब देखिए दूसरे कंट्रीज को, दूसरे देशों को देखिए, कोई भी टिका नहीं है। वहाँ पे मिलिट्री रूल आया है या फिर अभी भी वहाँ पे सिविल वॉर चल रहा है। सिर्फ इंडिया इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी यहाँ पे ये टिका हुआ है। इसका कारण एक ही है, शास्त्री जी जैसे निस्वार्थ लोग जो इतने ऑनेस्ट थे, वो अपना और अपने परिवार की चिंता किए बिना लोगों की सेवा दी। उन्हीं के आदर्श की वजह से यहाँ पे कुछ अच्छे लोग प्रशासन में, राजनीति में, समाज में हैं, जो अभी भी समाज की सेवा कर रहे हैं। फिर वही नहीं, महात्मा गांधी जी ने जो नॉन वायलेंस का जो हमको पाठ पढ़ा है, उन्होंने बोला है कि भाई सबको लेके चलो। तो ये जो पाठ की वजह से अभी भी देश एक होकर टिका हुआ है। यहाँ पे हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है, और जहाँ पे भी हिंसा होगी उसको जैसे आईन के हिसाब से, रूल ऑफ लॉ के हिसाब से कैसे डील करना चाहिए, इन संस्कारों को उन्होंने हमने बिठाया, ये सबसे बड़ा योगदान है। सर, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो गोडसे की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और गांधी जी की आइडियोलॉजी के खिलाफ काम कर रहे हैं, ऐसे लोग के अब क्या देंगे? जो समाज को उन्नति की तरफ ले जाता है, जो भाईचारे की भावनाओं को बढ़ाता है, जो अपने संस्कृति पे नाच करना सिखाता है, जो समस्त धर्मों को एक साथ ले जलने की शिक्षा देता है, हम उसी शिक्षा को हम उसका फॉलो करेंगे। यही मेरा